Hi guys, welcome back to our channel Lens Active. Myself Anil, myself Manisha. So guys, many thanks for all the subscribers that so far we are more than 1200. So please अभी आप subscribe कर दो जो भी ये video देख रहे हैं, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं. धन्यवाद आलू. So thanks again and हम लोगों ने हमारे चैनल के लिए अभी इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बनाया, तो यदि आपको लगे कि इफ़ यू वांट टू फॉलो अस यू आर मोर देन वेलकम. लिंक जो नाम है वो यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, सो प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो अस. एंड सेकेंडली, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, ड्यू था, KGF का ट्रेलर. मूवी बहुत पहले आ चुकी है, इट वॉज ए बिग हिट इन साउथ एंड नॉर्थ एंड ऑल ओवर इंडिया, एंड बाहर भी इस मूवीज़ के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोग बात करते हैं. जो हमारे ओवरसीज फ्रेंड्स हैं उनके बारे में, एक्चुअली उनसे भी हमने इस मूवी का सुना है. हम लोगों ने मूवी देखी नहीं है अभी तक. वी आर गोइंग टू वॉच इट आफ्टर सीइंग दिस ट्रेलर. सो होपफुली यू विल लाइक आवर रिएक्शन टू दिस KGF ट्रेलर चैप्टर वन. सो लेट्स चेक दैट आउट. स्टार्ट. द एंडिंग टू ऑल ग्रेट स्टोरीज इज रिटन बाय डेस्टिनी. अच्छा लिखा था ना. 1951 लग रही है. उस और वो भी पैदा हो गया. क्या चाहिए रे तेरे को? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूं. लिए एक काम करना होगा, एक हाथी को मार गिराना है. निकल तो चुका लेकिन वो कहां जा रहा है उसे नहीं पता था. ना ही उसे पता था कि कहां पहुंचने वाला है. वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा. तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए. इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से. यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है. यहां जिसका दिल पत्थर का हो उसको फर्क नहीं पड़ता. हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जंग जीतो. अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओ. तो कैसा लगा? सही लग रहा था ना. क्या समझ में आया? ये तो पूरा समझ में आ रहा था ना कि एक तरफ वो गोल्ड माइंस डिस्कवर हुई, दूसरी तरफ ये जो बाद में जो कैरेक्टर बनता है जो फाइट करता है उसी टाइम उसका भी बर्थ हुआ. फिर इतने टाइम तक उन लोगों को एक्सप्लोइट करा जा रहा था जो माइन से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. तो इन द एंड आफ्टर सम टाइम में भी 30 years के बाद 1951 एंड इन 1978 ऑलमोस्ट अराउंड 1970s की स्टोरी है. वो IMDb पे शायद मेंशन किया हुआ. अराउंड 25 years के बाद ही इज फाइटिंग फॉर देम. सो ही बिकम्स द फेस ऑफ देयर होप. यस यस, ही बिकम्स द मैन लीड दैट हु इज लीडिंग दैट रिवॉल्यूशन व्हाटएवर दे आर गोइंग यू नो Against that exploitation. So he becomes the voice. Yes. So straightforward, मुझे लगता है सिंपल स्टोरी है, लेकिन बहुत अच्छे से
फिल्मिंग की गई है, बहुत अच्छे से फिल्मिंग करी गई है, हिंदी की डबिंग बहुत अच्छी लगी। दैट्स व्हाई द नेम इज केजीएफ, के इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, जी फॉर गोल्ड एंड एफ इज फील्ड, गोल्ड फील्ड केजीएफ कोलर गोल्ड फील्ड समथिंग वाज समथिंग लाइक दैट, इट वाज रिटन ऑन दैट के एंड देन आफ्टर दैट जी एंड एफ। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस केजीएफ थिंग, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा कि ये एक्चुअली केरला की मूवी है, बट इट इज फ्रॉम कर्नाटक, कन्नड़ मूवी, बेंगलोर, दे हैव दीस गोल्ड फील्ड्स ओवर देयर, सो इट्स रिलेटेड टू दैट। इज इट अ रियल स्टोरी बेस्ड और नो, आई डोंट थिंक सो, इट इज अ फिक्शन। जो मूवी की स्टोरी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट सीम्स लाइक इट्स फिक्शन, लुक्स लाइक अ रिवेंज स्टोरी और समथिंग। गाइस, जिसने भी हिंदी में अभी तक वो मूवी नहीं देखी है ऋतिक रोशन की अग्निपथ, उससे मिलती जुलती मुझे स्टोरी लगती है। ओके, क्योंकि अग्निपथ में भी, मतलब अग्निपथ में थोड़ा सा वैसे स्टोरी, अग्निपथ वाज अ रीमेक, बट मुझे थोड़ी सी वो वाली वाइब आई इसमें, तो वो भी एक रिवेंज ड्रामा थी। इसमें ये रिवेंज ड्रामा भी हो ना सकती है, ही इज फाइटिंग फॉर पुअर पीपल। सो गाइस, दैट्स इट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और आपके और जो सजेशंस हैं, क्योंकि आपके बेस्ट ऑन योर रिकमेंडेशन ओनली वी आर डूइंग ऑल द रिएक्शंस, सो आपके और जो भी हैं मतलब जो भी रिक्वेस्ट हैं प्लीज आप कमेंट करके बता दें हमें। आप हमें इंस्टा पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टा पे आप लोगों को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टा का पेज हम लोगों ने बना दिया, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इट इज लेंस एक्टिव 159। सो प्लीज गो एंड यू नो टेक्स्ट अस योर सजेशंस, यू आर मोर देन वेलकम, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर रिएक्शंस टू यू। सो दैट्स इट, और इस बार हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज हेल्प, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। चीयर्स।